अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नमरा हमीद और आप देख रहे हैं अंबर्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज मटन निहारी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे निहारी मसाला। इसके लिए हमें चाहिए तेज़पत्ता, जायफल और जलपत्री, खुश्क अदरक यानी सौंठ, पिपली 4 से 5, लौंग 10 से 12 इसके, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, सौंफ 2 टेबल स्पून और इलायची 5 से 6। इन सबको अब हमने पीस लेना है और इसका हमने सफूफ तैयार करना है यानी पाउडर बना लेना है। इस तरह से हम इसे करेंगे ग्राइंड। बहुत अच्छी तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं कि ये इसका पाउडर बन चुका है, यानी कि निहारी मसाला हमारा तैयार है। अब इस मसाले में ऐड करेंगे हम नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और काली मिर्च का पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून, और इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया और ये देखिए इस तरह से हमने इसका मसाला तैयार कर लिया हुआ है। अब आते हैं देगची की तरफ। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अब मटन। गोश्त को शामिल करेंगे। बीफ हो, मटन हो या चिकन, सबका सेम ही प्रोसेस है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। 5 से 6 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि ये इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हुआ है और जो मीट है वो बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने तैयार कर लिया हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कुछ इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम पर हमने इसको अभी नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर इसको तैयार कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे निहारी मसाला जो हमने तैयार कर लिया हुआ था। सारा मसाला इसमें शामिल कर लिया हुआ है और अब हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। अब मैंने लिए एक प्याली, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर यानी कि गंदम का आटा, मैंने 3 चम्मच लिए हैं, और इसमें ऐड करेंगे हम पानी और बहुत अच्छी तरह से ये मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्स करके याद रहे इसमें ज़रा भी गुठली नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है और हमने इस मिक्सचर को ऐड कर देना है गोश्त में। शामिल कर लिया हुआ है, अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। 3 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। पानी मुझे इसका ज़रा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें पानी और शामिल करूंगी, मज़ीद 2 कप। ये पानी इसके लिए इनाफ है, एक दफ़ा इसको मिक्स करके देख लिया है हमने, बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी चाहिए। और अब हम इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 घंटों के लिए। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब हम कवर को हटाएंगे। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चेक करते हैं कि ये गोश्त अच्छे से गल चुका है या नहीं एक स्पून की मदद से। तो आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जो बोटी है वो गल चुकी है, यानी गोश्त टेंडर हो चुका है। एक दफ़ा इसे करेंगे एक मिक्स और अगेन जो है वो बनाएंगे मिक्सचर आटे का और पानी का, और इसे हमने एक प्याली इसमें शामिल कर देना है। बहुत अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको हिलाते रहना है ताकि ज़रा भी इसमें गुठली ना बने। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए।
तब तक हम इसकी तरी भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसे बहुत अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और तरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे फ्लेम को ऑफ करके रख देंगे। इधर देखते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लिया हुआ, वाओ बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार है। अब जो हमने तरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो निहारी है उसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा इसे बहुत ही आराम से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, बहुत ही टेस्टी हमारी मटन निहारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज मटन निहारी तैयार हो चुकी है। इसे कर दिया है गार्निश ग्रीन चिली से और हरा धनिया से, साथ में थोड़ा सा नींबू रख दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।